चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है। हम सब लोग पूरे इन 28 विधानसभाओं के चुनाव में सभी स्थानों पर जिस प्रकार का वातावरण बना है, कल भी आपने देखा होगा कि मुरैना के अंदर, ग्वालियर के अंदर और भी ग्रामीण अंचल में जिस प्रकार से जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, उससे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ इन 28 सीटों को हम लोग जीतेंगे। और कल इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से एक्शन किया है कमलनाथ जी के ऊपर, चुनाव आयोग ने एक दलित समाज की महिला के ऊपर जिस प्रकार से टिप्पणी की थी, उसकी कंप्लेंट चुनाव आयोग को हुई थी, तो चुनाव आयोग ने इस देश के अंदर दलित अस्मिता को बचाने का जो प्रयास किया है और उस पर कमलनाथ की जो टिप्पणी आई, उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि मेरी आवाज बंद करने का प्रयास किया गया है, मैं कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी, आपकी आवाज तो खुली है, चुनाव आयोग ने आपकी आवाज तो नहीं रोकी, लेकिन आवाज बंद करने का, लेखनी बंद करने का इतिहास कांग्रेस का रहा है। इस देश के अंदर किसी ने आवाज निकाली या आपके खिलाफ लिखा तो इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा करके लोगों को 19-19 महीने जेल के अंदर डाल दिया था, जिसके प्रमुख रणनीतिकार कमलनाथ जी आप भी थे, इसलिए आपके कोई अधिकार नहीं है एक संवैधानिक संस्था पर प्रश्न खड़ा करने का। और एक दलित अस्मिता को बचाने का काम जो देश के अंदर हुआ है, नारी शक्ति के सम्मान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, इलेक्शन कमीशन किसी का नहीं होता है, इलेक्शन कमीशन तो एक निष्पक्ष तौर पर इस देश के अंदर एक संवैधानिक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट कहता है तब आपको प्रश्न खड़ा करना है, इलेक्शन कमीशन कोई बात कहता है तब भी आपको प्रश्न खड़ा करना है। तो इस प्रकार से आप जनता के सामने नहीं जाना चाहते और आपने आज भी इरोगेंसी और गुरूर घमंड दिखाया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपके ऊपर क्वेश्चन खड़ा किया था, आगाह किया था, आपके नेता राहुल गांधी ने आपको आगाह किया था, माफी मांगने के लिए कहा था, उस समय भी आप गुरूर घमंड में थे, आज भी आप गुरूर घमंड में हैं। आप चिंता मत करिए, 3 तारीख को जनता आपका घमंड और गुरूर जरूर उतारेगी। मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी आपसे कि जिस प्रकार से आतंकवाद का समर्थन कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद कर रहे हैं, आप इसका जवाब दीजिए, क्या आप आतंकवाद के समर्थन में खड़े हैं? क्या इस प्रकार से जो चीजें आपके नेताओं ने, आरिफ मसूद ने जो की, उनके खिलाफ कांग्रेस कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि जैसे आप हैं वैसे ही आपके लोग हैं, इसलिए आतंकवाद के समर्थन में खड़ा होने का काम कांग्रेस के नेतृत्व का आज से नहीं, इनका इतिहास रहा है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो चाहे वो कमलनाथ हो। धारा 370 को पुनः बहाली करने की बात करते हैं और आतंकवाद का समर्थन करके आर्य मसूद जैसे उन लोगों को जो देश के खिलाफ खड़े हैं उनके समर्थन में आप खड़े, ये मध्य प्रदेश की जनता सोनिया गांधी से भी पूछना चाहती है और कमलनाथ आपसे भी पूछना चाहते हैं। कमलनाथ जी को चुनाव आयोग नोटिस देता है, कांग्रेस कह रही है कि केवल कमलनाथ के लिए चुनाव आयोग पर है, बीजेपी के लिए नहीं पता। अब आयोग ने अगर हमारे बारे में कुछ कहा है, हमको संवैधानिक संस्था के उनके आदेश का पालन करना है, मंत्रियों को हमने कहा है ये कमलनाथ केवल आप मध्य प्रदेश के अंदर झूठ बोलकर, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी आप क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की सीओ काम कर रही है निष्पक्षता से कर रही है उनके खिलाफ पत्र लिख रहे हैं, गुंडिज्म करने का काम आपने किया मध्य प्रदेश के हमारे कर्मचारी अधिकारियों के लिए, आपने कहा बेईमान है ये, आपने तो मध्य प्रदेश के अंदर अधिकारी कर्मचारियों को बेईमान बता दिया कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, आपको न किसी संवैधानिक संस्था पर विश्वास है, आपको तो केवल मर्यादा पुरुषोत्तम कमलनाथ जी है। अरे मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, हमने तो आज तक यही सुना है, अब ऐसे कमलनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे तो वो तो यही बोल सकते हैं और क्या बोलेंगे। बीडी भाई साहब, उदित राज जी ने कहा है कि अगर बीजेपी को बयान दिया है और दलितों की एक तरह से हत्या होगी, उनके विचारों के ये ऐसे ऐसे लोगों के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, और मैं ऐसा मानता हूं
कि हर समाज वर्ग का काम तो बीजेपी ने, बीजेपी के नेतृत्व ने क्या ही है। आज इस देश के अंदर दलितों की अस्मिता के सम्मान से लेकर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर काम करने का अगर किसी ने प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी इस बात का भी जवाब दीजिए कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस प्रकार से इस संविधान पर काम कर रहा है और ये संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया है, आप तो बाबा साहब अंबेडकर को संविधान को भी दरकिनार करना चाहते हैं। कमलनाथ जी, एक दलित महिला के ऊपर जिस प्रकार के अपशब्दों का आपने उपयोग किया, जिसको चुनाव आयोग से लेकर पूरे भारत की जनता ने जिसके बारे में कहा गया और आलोचना हुई, आपसे माफी मांगने का दबाव बना, आप इतने बड़े एरोगेंट हैं, आप इतने बड़े गुरूर घमंड है आपको उद्योगपति होने का, क्या दलित महिला के आपने जो गलत शब्द उपयोग किए उस पर आप एक शब्द माफी नहीं मांग सकते? ये व्यापक गुरूर घमंड है। इन 28 विधानसभा में तो टूटेगा भी, कांग्रेस के नेतृत्व से देश के अंदर भी जनता पूछ रही है, देश के अंदर भी कांग्रेस को जनता और नारी शक्ति इसका जवाब दे। सर अभी कमलनाथ जी आज का माफी मांगे चुनाव आयोग से, संवैधानिक संस्था से माफी मांगिए, आप झूठ बोलते हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए अगर चुनाव आयोग पर आपने क्वेश्चन खड़ा किया है। मैं कह रहा हूं मेरे मंत्रियों को, मैं चुनाव आयोग ने जो कहा है हमने कहा है कि चुनाव आयोग ने जो कहा है उसका सम्मान करते हुए हम उसका पालन करें। अगर हमारे चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाई है तो हमको चुनाव प्रचार नहीं करना चाहिए। बीजेपी शराब का और पुलिस का सहारा ले रही है, वो कार्यक्रम में जा रहे हैं, भाजपा तड़प रही है, भाजपा डर रही है, अब जनता कमलनाथ जी का चुनाव लड़ेगी, शराब और पुलिस का इस्तेमाल क्यों कर रही है? ये कमलनाथ जी जिंदगी भर यही करते रहे, पैसा शराब व्यापारियों के साथ बैठ करके आप धंधा करते रहे, आपका काम ही है था, क्योंकि आप व्यापारी है, क्योंकि आप इस प्रकार के बड़े उद्योगपति हैं और इस प्रकार के काम आप करते रहे, आपके मन में केवल वही रहता है। जो मैं हमेशा कहता हूं कि जिसकी भावना जैसी है उसको वही चीज दिखती है, और जो जब नाव डूबती है तो डूबती हुई नाव की ये कांग्रेस और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ये अनर्गल और इस प्रकार की बातें ही कर सकते हैं। न ये 15 महीने का हिसाब देंगे, न मध्य प्रदेश के अंदर विकास की बात करेंगे, न ये नेतृत्व की बात करेंगे, आपकी नाव डूबने के कगार पर। स्टार प्रचारक कोई कद नहीं होता ना कोई पद होता है, जैसे कमलनाथ जी कह रहे हैं हर चीज में आत्ममर्यादा पुरुषोत्तम हो गए ना, इसलिए आपके लिए तो कुछ भी नहीं है भाई, सामान्य आदमी है हम लोग, तो सामान्य है, तो हमको कोई संवैधानिक संस्था कुछ कहेगी हम उसको मानेंगे, नियम कानून कुछ कहेगा हम उसको मानेंगे, लेकिन आत्ममर्यादा पुरुषोत्तम हो गया। आपने ही कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम पर तो कोई चीज लागू होती नहीं है, तो आत्ममर्यादा पुरुषोत्तम है, आपको जनता 3 तारीख को जरूर जवाब देगी।